हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड क्रिएटर। तो आज स्टूडेंट हम इस वीडियो में लाए हैं आपको एमएससी मैथमेटिक्स से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है नया नया, जो भी स्टूडेंट एमएससी कर रहे हैं हायर पीजी में, ठीक है ना, और उन्होंने अपना सब्जेक्ट चूज़ किया है मैथमेटिक्स, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। आप इस चैनल पर नए आए हो तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है आपकी पूरी हायर एजुकेशन में, ठीक है ना। काफ़ी स्टूडेंट जो इस चैनल की मदद से पढ़कर अच्छे मार्क्स अचीव कर सके हैं नोट्स की सहायता से, तो इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे कैसा कैसे आपको पढ़ाई करना है और कम समय में अच्छे मार्क्स कैसे लाना है, कैसे प्रश्नों का चुनाव करना है, कैसे कॉपी लिखना है और क्या क्या चीज़ें आपको किस तरीके से पढ़नी है। तो इस वीडियो में आपको पूरा एंड तक बताएंगे किस तरीके से क्या करना है और कितने सब्जेक्ट आपके रहेंगे सेमेस्टर फर्स्ट में, किस तरीके किस यूनिवर्सिटी में कैसा रहता है। तो आप इसको लेकर घबराइएगा मत, बस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बताते हैं, देखिए एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में सबसे पहले टॉपिक पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं, कैसे पढ़ाई करना है, कम समय में कैसे अच्छे मार्क्स अचीव करना है और परीक्षा हॉल में प्रश्नों का चुनाव कैसे करना है, कैसे कॉपी लिखना है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, देखिए जैसे कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, अब पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, एमएससी आपने एमए होता है और एमएससी भी होता है, ठीक है ना, दोनों में मैथमेटिक्स हो और आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है मैथ्स, ठीक है। अब क्या है पीजी, जो पीजी का अब अगर आप आ गए हो पीजी में, इसका सिलेबस इतना रहता है कि अगर आप एक बुक में भी पूरा पढ़िएगा तो आपके लिए कम होगा, अथाह ज्ञान है। यानी आपको पूरा मास्टर डिग्री आपको कंप्लीट कर रहे हो तो आप पूरा अथाह ज्ञान लेकर चल रहे हो, ठीक है ना। तो आप आपके लिए यहाँ पर कई यूनिवर्सिटी में दो तरीके से कराया जाता है, किसी में ईयरली चलता है और किसी में क्या होता है सेमेस्टर वाइज होता है, ठीक है ना। ये सब आपको पता होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में किस तरीके से चलता है। अगर वही चीज़ हम आपको बता दें कि जैसे आपका हम लेके चलते हैं फर्स्ट ईयर के, तो फर्स्ट ईयर के बारे में हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट ईयर में होते हैं दो सेमेस्टर, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम। अब ये मत कहना कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हें दो सेम पढ़ना होता है, नहीं। तो हम आपको बताते हैं, जैसे एक बुक हम लेके चलते हैं फर्स्ट ईयर की, रियल एलजेब्रा, एलजेब्रा बुक हमने ली है, तो यहाँ पर एलजेब्रा में आपको 10 यूनिट्स पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। तो ईयरली जो भी स्टूडेंट रहेगा उनको 10 यूनिट पढ़ने को पड़ती हैं, तो वही क्या रहता है, पांच-पांच यूनिट का डिवाइड कर दिया जाता है सेमेस्टर पद्धति में। पांच यूनिट आपको फर्स्ट सेम में पढ़नी होती हैं, पांच यूनिट आपको सेकेंड सेम में पढ़नी होती हैं, ठीक है। इसका क्योंकि आप यूजी में भी पढ़ के आते हो, बीएससी जिसने की है, वेक्टर रिंग और जो कुछ टॉपिक होते हैं जो उससे ज़्यादा होते हैं उनको पीजी लेवल में रख दिया जाता है, तो आपको ये ईयरली सिस्टम में मिल जाता है सेमेस्टर में पढ़ने को। एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, किसी के में लीनियर एलजेब्रा चलता है। तो यहाँ पर हम आपको पांच पेपर के बारे में हम बता रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर। देखिए तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहला पेपर आपका रहेगा एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, दूसरा पेपर रहेगा रियल एनालिसिस, तीसरा टॉपोलॉजी, चौथा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पांचवा आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो आपके ये पेपर फर्स्ट हैं, मतलब यानी फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है ना। अब हमने इसलिए इसमें सेकंड सेमेस्टर क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सेम वही पेपर वही बुक आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलती है। एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा सेकंड आपको सेकंड सेमेस्टर, रियल एनालिसिस का जो सेकंड सेमेस्टर में होता है उसको मीजर थ्योरी,
जो आपका म्यूजर थ्योरी पूरा पढ़ने को मिलता है सेकंड सेमेस्टर में। तीसरा टोपोलॉजी भी, और चौथा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये आपका ऑप्शनल पेपर रहता है, कई यूनिवर्सिटी इसमें डिफरेंशिएशन इक्वेशन चलाती है, तो किसी के में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आपको क्या करते हैं, देखिए अब आपको यहाँ पर हम बताते हैं कि जैसे आपकी पांच बुक कौन कौन सी, एक एलजेब्रा, दूसरी हो गई रियल एनालिसिस, तीसरी आपकी हो गई टॉपोलॉजी, चौथा हो गया आपका कॉम्प्लेक्स, पांचवा होगा आपका डिस्क्रीट या आपका डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ठीक है ना, ये ऑप्शनल पेपर है, आपको चूज करना होता है कि आपको क्या लेना है। अब क्या है कि इसमें इतना रहता है अगर आप पूरा भी पढ़ोगे तो आपके लिए कम हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स के लिए इतना किया कि कई लोग नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, अब इस एज में, ये एज आपकी होती है 22 से लेके 26 साल तक की एज, ठीक है ना, एज, इस एज में क्या रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे बन जाते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं जिनको जॉब नहीं मिलती है तो जॉब के साथ साथ वो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते हैं, ठीक है ना, और साथ साथ अपनी स्टडी भी करते हैं किसी अन्य कंपटीशन तैयारी की, तो इसमें आपको वो पूरा अपना टाइम नहीं दे पाते हैं मैथमेटिक्स में MSc पर, ठीक है ना। और जैसे ही एग्ज़ाम के 2 से 3 महीने आपके लिए आते हैं तो फिर आपको टेंशन होने लगती है, यार क्या पढ़ें, क्या करें, क्या नहीं करें, तो आपको घबराना नहीं है। हमने इन्हीं, मतलब जो आपके 5 पेपर हैं, इनके बढ़िया से बढ़िया हैंड रिटन नोट्स आपके तैयार किए गए हैं, जो आपको PDF प्रोवाइड में हम PDF फॉर्मेट में आपको हम प्रोवाइड करा देते हैं, बढ़िया हैंड राइटिंग में आपको एक एक चीज़ क्लियर समझ में आएगी। और क्या रहते हैं, हम इसके जैसे रहते हैं टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनाते हैं, जो आपको YouTube की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनाते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा, उससे 90 से 95% क्वेश्चन उसी में से पूरा पूछा जाता है, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं जो यहाँ से वहाँ, वरना सेम क्वेश्चन जो हम बनाते हैं उसी में से आपका पेपर आ जाता है। अब बात रहती है, सर हम इस यूनिवर्सिटी से हैं और कोई UC यूनिवर्सिटी, तो आपको बता दें जो PG का सिलेबस रहता है सबका अधिकतर 80 से 85% यूनिवर्सिटी सबका सेम ही सिलेबस रहता है, तो आप इसको लेकर घबराइएगा मत, आप अपना सिलेबस हमको सेंड कीजिएगा, उसी सिलेबस के हिसाब से आपको हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आपके, हमने बता दिया है कि इस तरीके से आपको पढ़ना है, और आपके हैंड रिटन नोट्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। जो भी सेमेस्टर स्टूडेंट रहते हैं उनका 150 रुपये पर पेपर प्राइस रहता है, आप हमें इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 7987084690, ठीक है ना, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधी आपको एक लिंक दे दी जाएगी, उस लिंक पर टैप करोगे तो आप सीधा डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पर आप खोल सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पर आपको, जैसे आप सेमेस्टर के हो तो सेमेस्टर में 150 रुपये पर पेपर रहता है, ईयरली रहते हो तो ईयरली का 250 रुपये पर पेपर रहता है, क्योंकि हमने बताया 2 सेमेस्टर की इसमें आपको हम PDF देते हैं, तो आपके जिसमें पर पेपर में हम 50 रुपये का डिस्काउंट कर देते हैं, ठीक है। अगर अब आप एक साथ 5 पेपर खरीदते हो तो 50 रुपये का, इससे आपको 700 रुपये के 5 पेपर मिल जाएंगे, इसी तरीके से इसमें भी 1200 रुपये के आपके 5 पेपर हम आपको दे देते हैं, ठीक है ना। सेम अब हम थर्ड सेमेस्टर के बारे में हम बता देते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में बहुत सारे पेपर रहते हैं, क्योंकि एक ही कंपलसरी पेपर रहता है फंक्शनल एनालिसिस, ठीक है ना, बाकी सारे आपके ऑप्शनल पेपर रहते हैं, जैसे एडवांस फंक्शनल एनालिसिस हो गया, एडवांस स्पेशल फंक्शन PDE, मैकेनिक्स रहता है किसी का, ऑपरेशन रिसर्च, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। हमने ये पेपर इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन केवल इन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हमारे पास अभी अवेल हैं,
तो जिनको भी इनके हैंड रिटन नोट चाहिए हो तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करके इनके नोट्स भी खरीद सकते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स बने हैं। और आप उनका डेमो देखना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर कैटालॉग में आप इनके डेमो भी देख सकते हो या प्ले लिस्ट में सर्च कर सकते हो MSc फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर नोट्स के डेमो, तो वहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से हमने कितने बेहतरीन तरीके से हाईलाइट किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हाईलाइट किया है, अलग तरीके से भी बनाया है। और ज़्यादा पेज के हैंड रिटन नोट्स नहीं हैं, जैसे किसी का रहता है 100 से मिनिमम, अगर मिनिमम बात करें तो 50 पेज और अधिकतम आपका बात करें तो 120 पेज, इन्हीं पेज के अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं तो आप इन्हीं की सहायता से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब आपकी पढ़ाई की टेंशन यहाँ तक तो दूर हो जाती है। अब बात करते हैं किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। तो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना है, जो आपकी लास्ट ईयर पेपर में पहले नंबर आप पेपर को उठाइए। दो से वैसे तो हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं वो पेपर ही में से बनाते हैं कि जो आपके पिछले चार से पाँच साल के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं पेपर को उठाकर हम इनके क्वेश्चन बनाते हैं। कम समय में नोट्स आप परचेज कर लीजिएगा, नोट्स से आप पढ़िएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आप अचीव करोगे, गारंटी है मेरी। परीक्षा हॉल में सबसे आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि आप किस तरीके से आप प्रश्नों का चुनाव कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसको टाइम मैनेजमेंट के साथ उसको हल कर रहे हैं। जितना आप अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से बना लोगे उतने तरीके से अच्छे तरीके से आप पेपर को हल कर पाओगे, ठीक है ना। और कॉपी आपको अच्छे तरीके से लिखना है, हमने पहले भी बता दिया था कि आपको कॉपी मिलती है, आप दोनों साइड लिखिए बढ़िया आंसर और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसी तरीके से, और यहाँ पर अपना पूरा बिल्कुल ब्यौरा से क्वेश्चन को आप लिखिएगा। आपको आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, आपको मार्किंग मिलेंगे। किसी भी क्वेश्चन को आपको पेपर में छोड़ना नहीं है। अगर आपको नहीं भी आता है उससे रिलेटेड आप कीजिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर के नंबर दे दिए जाएंगे जो भी होगा, ठीक है ना। और कई ऐसे स्टूडेंट हैं 2022 में आपको काफ़ी स्टूडेंट ने अपना प्यार दिखाया है और काफ़ी आपके हैंड रिटन नोट्स हमारे सेल हुए हैं। कम से कम एक से डेढ़ हज़ार रुपये आपके हैंड रिटन नोट्स सेल हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। किसी वीडियो में हम उसका परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हो स्टूडेंट के, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, जिससे हम आपको और भी इसी तरीके से आपको हम वीडियो लाते रहेंगे। और चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आपके एग्ज़ाम हैं, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। जिसने भी आप एडमिशन लिया हो वो आप हमारी साथ हमसे बात कीजिएगा, हम किस तरीके से क्या करें हम आपको गाइड करेंगे, आप नोट्स ले लीजिएगा और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।